अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा मेन ब्लॉग है हमारी सेकंड कैलीग्राफी की वीडियो। तो मौसम बहुत हसीन था, सोचा क्यों ना हम भी एक हसीन सी पेंटिंग बनाएं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसके कलर्स देख लें और हम अब ज़िंदगी में कलर भरते हैं अपनी पेंटिंग के साथ। तो मैंने यहाँ पर लिए थे दो कैनवास, एक 250 का आया और साथ में 170 का एक। तो चलें हम बड़े वाले पे पहले स्टार्टिंग करते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ इसके बैक से, और ये ऐसे होता है। तो चलें हम लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो मैंने यहाँ पे लिए थे ओमेगा के पेंट्स, और मैंने सोचा क्यों ना साथ में एक ब्रश भी ले लिया जाए। चलें हम इसकी अनपैकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर मैं आज बनाने वाली हूँ एक न्यू पेंटिंग, जो कि कैलीग्राफी भी है और साथ में पेंटिंग भी है। यहाँ पे मैंने ले लिए थे कलर्स। हमारे पास जितने भी हों वो कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे कुछ सामान लिया था, ये था वो बड़ा कैनवस जिसमें मैं आज आपको न्यू पेंटिंग बना के दिखाने वाली हूँ। तो ये हमने अपना सारा सामान रेडी कर लिया है। साथ में मैं आपको दिखाती हूँ मेन चीज़ जो हमारी यूज़ होगी, वो ये स्पंज, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और ये साथ में एक ब्रश जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेन ब्रश है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेंटिंग। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कैनवस को सीधा रखा और उसके ऊपर पहले ब्लैक पेंट किया, क्योंकि ये हाफ हमारी पेंटिंग है और हम हाफ पे जिसमें हम कैलीग्राफी करने वाले हैं। कैलीग्राफी मैंने राइट ऑन कर ली थी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक ग्लू और साथ में ग्लिटर और चंद मेन ब्रशेस जो हमारे काम आने वाले थे इसको मर्ज करने में। तो हम चलें स्टार्ट करते हैं अपना इसको ग्लिटर करने का वर्क। तो यहाँ पे पहले सबसे मैंने ग्लू के साथ एक पैटर्न बना लिया था, उसको लिख लेना और उसके ऊपर आस्ते आस्ते ग्लिटर डाल दी और ये मर्ज कर दी। तो चलें हम फुल करके दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा मुश्किल हुआ क्योंकि ग्लिटर फैल रहा था पूरी पेंटिंग के ऊपर। तो गेट रेडी फॉर इट्स फाइनल लुक। ये देखिए इसका फाइनल लुक ये था। सो प्लीज मस्ट शेयर योर रिव्यूज इन एंड कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।